अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने जमान में रखे। आज मैं आपके लिए मलका मसूर की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट बन जाती है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज इसको बनाना सिखाती हूँ। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पाव मलका मसूर की दाल ली थी, जिसको काली मसूर भी कहते हैं। इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इसको भिगो देंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखे, ये 1 कप दाल थी, ये फूल के अच्छी भरी ज्यादा हो जाती है। तकरीबन ये बॉल जो हमारा ये भर गया है, आधे से ज्यादा हो गया। और 1 पाव ऐसे ही कम लग रही थी देखने में। तो ये दाल मैंने 4 घंटे पहले भी भिगो दी थी वॉश करके अच्छे तरीके से। अब मैं बताती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या मसाले शामिल कर दिए थे। अच्छा, दाल जो है ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ये झटपट बन जाएगी प्रेशर कुकर में। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ, और ये घुट भी जल्दी जाती है, आसानी से मिक्स हो जाती है इसमें। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल कुटी मिर्च। साथ में इसमें 1 दरमियाने साइज की प्याज डालूंगी, ये मैंने काट के रख ली है। 2 अदर टमाटर जाएंगे और 3 हरी मिर्च, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने 2 टीस्पून लिया है भर के, ये इसमें जाएगा। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, दाल मैंने 1 गिलास लिया, तो पानी इसमें तकरीबन मैं 4-4.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दूंगी। और बस अब हमने इसको जो है मिक्स करके अच्छे तरीके से प्रेशर कुकर में पकने के लिए रखना है। तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, दाल हमारी बेहतरीन सी गल चुकी है। अभी जो टमाटरों के छिलके थे, हम इसको इस तरह से उतार लेंगे। टमाटर भी हमारे बेहतरीन से गल के तैयार हो चुके हैं। पहले तो हम टमाटरों को ये रखें, हल्का सा ही हम इसको प्रेस करेंगे, मैश हो जाएंगे, और दाल को हम मिक्स कर लेंगे। दाल में पानी थोड़ा सा कम इस वक्त मुझे लग रहा है, तो हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे इसमें। तकरीबन 1 गिलास में पानी डालूंगी दाल में। तो मैंने 1 गिलास के अलावा 1/2 गिलास और दाल में पानी शामिल कर दिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दाल को हमने कितना गाढ़ा रखना है। ये देखें, दाल को भी हमने तकरीबन 4-5 मिनट इस पे रख के चूल्हे पे और पकाना है, क्योंकि हमने अभी इसमें पानी शामिल किया दाल को पतला करने के लिए। लेकिन देखें, दाल हमारी गली कितनी बेहतरीन है, और इस दाल को इसी तरह का गलना चाहिए कि बिल्कुल जो है दाल यकजान हो जाए आपस में, पानी से अलग नहीं दिखाई दे। अब मैं इसमें इमली का पल्प शामिल कर दूंगी, ये मैंने 4 टेबल स्पून के करीब लिया है। मैंने इमली पहले ही जो है भिगो के रख दी थी। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे दाल को। तो ये देखें, दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दाल को हमने कुछ इतना जो है गाढ़ा रखना है, और आपको इसकी निशानी ये पता चल जाएगी कि पानी दाल में मिक्स हो चुका है, दाल से बिल्कुल अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने तड़के के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें मैं लाल साबुत मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको जितनी पसंद हो, और जीरा 1 टीस्पून। बस हमने इतनी देर इनको फ्राई करना है कि मिर्चें हमारी काली नहीं हो, और जीरा जो हमारा ये भी अच्छे से कड़कड़ा जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखें, तड़का हमारा तैयार हो गया, बस हम इसको दाल पे डाल देंगे। तो ये देखें, बेहतरीन सा तड़का हमारी दाल का तैयार हो गया है। हम ये मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें पुदीना शामिल करूंगी, और एक मैंने हरी मिर्च काट के पुदीने के साथ ही रख ली थी, वो शामिल कर दूंगी। पुदीने की खुशबू इस दाल में बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस दाल का कॉम्बिनेशन पुदीने के साथ बनता है, बहुत बेहतरीन इसकी खुशबू आती है। अब मैं इसे तड़के वाले राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने तड़के वाले राइस जो है बघार वाले बना के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ मैं इस दाल को सर्व करूंगी। तो ये देखें, बेहतरीन किस्म की हमारी मलका मसूर की दाल तैयार हो चुकी है। आप ही बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है, और बहुत मजेदार ही बनकर तैयार होने वाली दाल है। जो बच्चियां नया खाना बनाने सीख रही हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही आसान करके बनाना सिखा दी है, कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसको थोड़ा सा पुदीने से सजा भी देती हूँ। साथ में मैंने ये हरी मिर्च, दही फ्राई वाली हरी मिर्चें, ये मैं सर्व कर रही हूँ, फीवर है और तड़के वाले राइस है। तो आप ही बनाएं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।